जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आपको इस बार अग्निवीर का भर्ती देखना है, अग्निवीर का पेपर देना है और आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा, पूरा का पूरा बात मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा। काफ़ी दिनों से हमारे कुछ नए साथी कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि नीलेश भाई, इस बार जो अग्निवीर की भर्ती आने वाली है उसमें उम्र कितना लगेगा और इस बार किस महीने में भर्ती आ सकती है और किस महीने में इसका पेपर हो सकता है और दौड़ किस तरह से कराया जाता है, पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, सिलेबस क्या होता है, वो सारी चीज़ें काफ़ी दिनों से कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ रहे थे। लेकिन मैं अपने नीलेश ब्लॉग वाले चैनल पर हमेशा मतलब ये सब बताते रहता हूँ। इस चैनल पर मैं आप लोगों को नहीं बताया था, हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो अभी नए नए हैं जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला नंबर आप लोग ये जान लो, देखो अग्निवीर में ना जैसे अग्निवीर GT हो गया, अग्निवीर ट्रेडमैन हो गया, अग्निवीर टेक्निकल हो गया और अग्निवीर कलर को हो गया। ये जो ट्रेडमैन वाला होता है ना, ये 8 पास से भी होता है और 10 पास से भी होता है। तो ये किसी दिन अलग मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब 8 पास में कौन कौन सा ट्रेड होता है और 10 पास में कौन कौन सा ट्रेड होता है। इन सब पोस्टों के अलावा एक और आता है, इंडियन आर्मी ENA होता है, ठीक है ना, सोल्जर ENA जिसको बोला जाता है, नर्सिंग असिस्टेंट। तो जो नर्सिंग असिस्टेंट वाला भर्ती है मतलब वो तो परमानेंट भर्ती है और जो लोग 12 बायोलॉजी से किए रहेंगे ना सिर्फ वही लोग ENA में फार्म भर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन आर्मी GD और ट्रेडमैन के बारे में बताने वाला हूँ और WMP मतलब जितनी भी लड़कियाँ तैयारी करती हैं इंडियन आर्मी की तो उन लोगों के लिए बताने वाला हूँ। जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं ना मतलब सबसे ज़्यादा GD में और ट्रेडमैन में फार्म भरते हैं, क्लर्क में मतलब जिनका हाइट कम रहता है वो लोग फार्म भरते हैं और टेक्निकल में जो लोग ITI किए रहते हैं, डिप्लोमा किए रहते हैं, वो लोग फार्म भरते हैं। लेकिन GD ट्रेडमैन में सब लोग फार्म भरते हैं। तो GD और ट्रेडमैन के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना। GD में सबसे पहला नंबर आप लोग ये जान लो कि इसका जो सिलेबस होता है ना 50 प्रश्न पूछा जाता है जिसमें से 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहते हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहते हैं, 15 प्रश्न मैथ के रहते हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहते हैं और 1 प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं, ठीक है ना। टोटल 50 प्रश्न रहते हैं 100 नंबर के। ये मैं इंडियन आर्मी GD, इंडियन आर्मी ट्रेडमैन और वोमेन मिलिट्री पुलिस लड़कियों के लिए जो भर्ती निकाली जाती है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि मतलब किस तरह से इसका दौड़ कराया जाता है। तो इसका जो दौड़ होता है ना 1600 मीटर का दौड़ कराया जाता है और टाइमिंग अभी पहले जब दौड़ होता था तो 300-300 लड़कों को एक साथ दौड़ाया जाता था और उसमें 5 मिनट 15 सेकंड, 5 मिनट 20 सेकंड टाइमिंग मिलता था। नोटिफिकेशन में तो 5 मिनट 35 सेकंड, 5 मिनट 40 सेकंड देता है लेकिन 5 मिनट 15 सेकंड, 5 मिनट 20 सेकंड के आसपास में टाइमिंग मिलता था। वो तो राज्य के हिसाब से टाइमिंग मिलता है, ठीक है ना। लेकिन अब जो अग्निवीर की भर्ती कराई जा रही है तो मतलब हर जगह 100 लड़कों को एक साथ दौड़ाया जा रहा है और 100 लड़कों में से 40-40 लड़कों को पकड़ा जा रहा है, 50-50 लड़कों को पकड़ा जा रहा है। और एक्सीलेंट में ना जैसे दौड़ में भी 2 ग्रुप होता है, एक फर्स्ट ग्रुप होता है और एक सेकेंड ग्रुप होता है। तो जो फर्स्ट ग्रुप में दौड़ मार देता है ना उसको दौड़ में 60 नंबर मिलता है और जो सेकेंड ग्रुप में दौड़ मारता है उसको दौड़ में 48 नंबर मिलता है, उसका 12 नंबर कट जाता है, ठीक है ना, जो सेकेंड ग्रुप में दौड़ मारता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो इंडियन आर्मी का दौड़ हो रहा है तो 10-10 लड़कों को एक्सीलेंट में पकड़ा जा रहा है, ठीक है ना। दौड़ होने के बाद बीम होता है, वो जो बीम होता है ना बीम 40 नंबर का होता है। देखो 60 नंबर का तो दौड़ होता है, जैसे जो एक्सीलेंट मारता है 60 नंबर मिलता है और जो गुड में दौड़ मारता है उसको 48 नंबर मिलता है और 40 नंबर का बीम होता है। तो बीम का भी एक प्रक्रिया होता है, जैसे उस पर भी नंबर मिलता है। आप 10 बीम मारोगे तो 40 नंबर मिलेगा, 9 बीम मारोगे तो 33 नंबर मिलेगा, 8 बीम मारोगे तो 27 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से मतलब जितना कम बीम मारोगे उतना कम नंबर मिलेगा और 6 से कम बीम मारोगे ना तो फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे, मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है ना। जब बीम उम हो जाएगा तो जिग जग बैलेंस होगा, वो तो सब पास कर लेते हैं सब। उसके बाद से हाइट वेट नापते हैं सब, चेस्ट वोस्ट नापते हैं सब। हाइट चेस्ट नापने से पहले ही बीम खिंचवाया जाता है, ये आप लोग जान लेना, ठीक है ना। और आप लोगों को समझना है ये जो अग्निवीर की भर्ती कराई जा रही है ना, जिन लोगों के पास ओरिजिनल स्पोर्ट का सर्टिफिकेट रहेगा उन लोगों को हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं SC कैटेगरी से हूँ, ST कैटेगरी से हूँ, मेरा हाइट कितना लगेगा। तो इसमें SC ST नहीं होता है मेरे भाई, जब पुलिस की भर्ती निकलती है ना तो उसमें कैटेगरी के हिसाब से हाइट में छूट मिलता है। लेकिन इंडियन आर्मी जो अग्निवीर है इसमें कैटेगरी के हिसाब से हाइट वेट में छूट नहीं मिलेगा। अगर आपके पिताजी आर्मी में रहेंगे, आपके पास रिलेशन का सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट रहेगा तब आपको हाइट में छूट मिल सकता है, उस तरह से हाइट में छूट नहीं मिलेगा। तो राज्य के हिसाब से लगता है, ठीक है ना। कहीं कहीं इंडियन आर्मी जीडी ट्रेडमैन में 170 सेंटीमीटर हाइट लगता है, लड़कों के लिए बता रहा हूँ, और लड़कियों का हाइट भी बढ़ा दिया है सब, लड़कियों का हाइट 162 सेंटीमीटर कर दिया है सब, ठीक है ना। पहले 157 सेंटीमीटर था, लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें लड़कियों का हाइट 162 सेंटीमीटर बता दिया गया था। बाकी जो सिलेबस रहता है ना सेम लड़कों जैसा ही रहता है, मतलब 50 प्रश्न उन लोगों का भी रहेगा। मतलब मिला जुला कर मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोनों का सब कुछ सेम रहेगा, बस हाइट का मामला थोड़ा मतलब है कि लड़कियों का हाइट 162 है और लड़कों का हाइट वैसे 170 रहता है, लेकिन कहीं कहीं 169 लगता है, कहीं कहीं 168 लगता है, और उत्तराखंड में तो 162-163 लगता है। तो राज्य के हिसाब से हाइट लगता है, ठीक है ना। आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट रहेगा तो हाइट में दो सेंटीमीटर का छूट मिल जाएगा, और पेपर में भी कुछ नंबर का छूट मिल जाएगा, लेकिन ओरिजिनल स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। स्टेट का या नेशनल का जो भी रहेगा आपको हाइट में भी छूट मिलेगा और पेपर में भी छूट मिलेगा, ठीक है ना। आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा तभी भी पेपर में छूट मिलेगा, अगर आपके पिताजी फौजी रहेंगे तभी भी आपको पेपर में कुछ नंबर का छूट मिलेगा। तो ये रहा इंडियन आर्मी जीडी ट्रेडमैन और WEMP का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। इसके अलावा हमें नहीं लगता कि आप लोगों को दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए। और रही बात नई भर्ती की, तो नई भर्ती मतलब नवंबर दिसंबर या जनवरी इन तीन महीनों के बीच में कभी भी इसका नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है। देखो मैं इसलिए इस तरह से बता रहा हूँ ना क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अगली बार जिस महीने में भर्ती निकाली गई थी वही सारी चीजें देखकर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगली बार 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में पेपर हुआ था, तो इस बार भी मतलब अप्रैल मार्च अप्रैल के बीच में पेपर होगा। तो अभी से आप लोग तैयारी में लगे रहो, ठीक है ना। एज को लेकर कंफ्यूजन में पड़े हुए हो ना, तो ये कंफ्यूजन भी मैं आप लोगों का दूर कर दे रहा हूँ। पूरा बात समझने का कोशिश करना। देखो अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन और WMP जिसको वोमेन मिलिट्री पुलिस बोला जाता है, उसके बाद से अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर कलर का जो एज है ना 17.5 से लेकर 21 साल तक एज हो गया है। पहले मतलब कुछ पोस्टों के लिए 17.5 से लेकर 23 साल तक था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 17.5 से लेकर 21 साल तक कर दिया गया है। और जो इंडियन आर्मी ANA होता है उसका 17.5 से लेकर 23 साल तक होता है, ठीक है ना, और वो ANA वाला भर्ती परमानेंट होता है। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई मतलब जो टेक्निकल वाला भर्ती है अग्निवीर टेक्निकल वाला है तो उसका 17.5 से लेकर 23 साल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अभी देखो सेना की तरफ से बोला गया है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है ना। आने वाले समय में हो सकता है कि टेक्निकल का एज बढ़ जाए, 17.5 से लेकर 23 साल तक हो जाए, लेकिन जीडी और ट्रेडमैन का एज बढ़ने का बहुत कम चांस है, ठीक है ना। अगर जीडी और ट्रेडमैन का एज बढ़ने वाला रहता ना तो अब तक बढ़ा देते सब, जरूर कुछ ना कुछ न्यूज निकाला जाता। अग्निवीर टेक्निकल को लेकर कुछ न्यूज निकाला गया था, बोला गया था मतलब उसी टाइम बोला गया था कि अब अग्निवीर 50% लोगों को परमानेंट किया जाएगा और टेक्निकल में 17.5 से लेकर 23 साल तक उम्र को बढ़ा दिया जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी फिलहाल में मतलब 17.5 से लेकर 21 साल तक ही है, और अगली बार जब इंडियन आर्मी की भर्ती कराई गई थी तो 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2006 के बीच में जितना जिनका भी डेट ऑफ बर्थ था उन लोगों का ऑनलाइन हो गया था, ठीक है ना। और आने वाले समय में जो अग्निवीर की भर्ती कराई जाएगी तो 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, तो वही 1 अक्टूबर 2003 से लेकर और 1 अप्रैल 2007 के बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा उन लोगों का ऑनलाइन हो जाएगा। अब आप लोग ये नहीं बोलना कि भाई मेरा इतना डेट ऑफ बर्थ है मेरा ऑनलाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप लोग खुद देख लेना, ठीक है ना। 1 अक्टूबर 2003 से लेकर और 1 अप्रैल 2007 के बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा अपने हाई स्कूल के मार्कशीट में देख लेना, उनका इस बार अग्निवीर में ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी एज को लेकर आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना।